हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैल्यूएशन में स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 का कांसेप्ट को समझेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर 5 इन एक्स प्लस 3 टू द पावर 8 के एक्सपेंशन में। बच्चों, कोएफिशिएंट का कांसेप्ट जानने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b to the power n। बच्चों, जनरल टर्म जो होगा यहाँ पे dr plus 1 जो होगा a plus b पे पावर n के रिस्पेक्ट में, वो ncr a to the power n minus r और b to the power r होगा। ठीक है ना, आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे बात होगा कि कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करें। बच्चों, कोएफिशिएंट को हम लोग हिंदी में गुणांक बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2x² में x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है। x² में x² का कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है। माइनस x² में x² का कोएफिशिएंट -1 है। बात समझ रहे हो ना, ए बी स्क्वायर सी में यदि मैं पूछूं बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो ए सी है। ए का कोएफिशिएंट क्या है, तो बी स्क्वायर सी है। सी का कोएफिशिएंट क्या है, तो ए बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कोएफिशिएंट होता क्या है। ये ना, कोएफिशिएंट का सिंपल सा मतलब गुणांक, कि जिस चीज का आपसे कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसमें और कौन कौन टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पर मान लो मैं पूछू ए टू द पावर एन माइनस आर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एनसीआर इंटू बी टू द पावर आर। यदि मैं आपसे बी टू द पावर आर का कोएफिशिएंट पूछू तो क्या बोलोगे, एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर। यदि मैं आपसे एनसीआर का कोएफिशिएंट पूछू तो ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। वैसे समझ में आ रहा है। तो देखो, फर्स्ट में आपको बोल रहा है कि x प्लस 3 टू द पावर 8 के एक्सपेंशन में x पे पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले इसके लिए आपको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा x प्लस 3 टू द पावर 8 का। तो मैं चलो इसको इरेज कर रहा हूं पहले, और देखो कैसे लिखेंगे जनरल टर्म x प्लस 3 टू द पावर 8 के एक्सपेंशन में। तो देखो x प्लस 3 टू द पावर 8, यहाँ पे आप देख रहे हो कि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 8 है। तो जनरल टर्म जो हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखोगे, जनरल टर्म tr प्लस 1 बराबर ncr, तो 8cr, a टू द पावर n माइनस r, तो x टू द पावर 8 माइनस r, और b टू द पावर r, तो 3 टू द पावर r। अब हमें देखो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, x पे पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। बच्चों, x पे पावर 5 का कोएफिशिएंट को फाइंड करोगे तभी आप फाइंड करोगे जब यहाँ पे x पे पावर 5 मिलेगा। तो x पे पावर 5 मिलेगा, इसके लिए 8 माइनस r जो होगा 5 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, देयरफॉर 8 माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इसको आप कंपेयर करेंगे आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो आर बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। देखो आर आप उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, 8 माइनस 5 बराबर 3। इसीलिए जनरल टर्म अब आप क्या लिखोगे, देखो अब जनरल टर्म क्या बन गया, टी 3 प्लस 1 बन गया ना, आर प्लस 1 की जगह पे टी 3 प्लस 1। यहां पे देखो 8c 3 और x टू द पावर 8 माइनस 3 5 हो गया और 3 टू द पावर 3। अब समझ में आ गया कोएफिशिएंट निकालना, x पे पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना होगा। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 8c 3 इनटू 3 टू द पावर 3। अब 8c 3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 3 इनटू फैक्टोरियल 3, और 3 3 जो 9 3 जो 27 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो यहाँ पर, देखो क्या करेंगे, ये 8 निकालेंगे इनटू 7 इनटू 6 इनटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। नीचे देखो 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5, और ये 3 को तोड़ दो, 3 इनटू 2 इनटू 1 इनटू 27। देखो 5 से 5 गया, 3 टू जा 6 चला गया, तो 8 7 जा 56 इनटू 27। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, तो चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 5 जो 35 और 4 39, 2 6 जो 12, 2 5 जो 10 1 11, 2 9 2 11, 3 1 4 1 5 1 5 1 2। क्लियर है ना, तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हो।
चलो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें देखना है a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, किसके एक्सपेंशन में, a माइनस 2b टू द पावर 12 के एक्सपेंशन में। चलो नोट करोगे इसको, इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है a माइनस 2b पे पावर 12 का पहले जनरल टर्म लिखो, इसके बाद कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b पे पावर 12, बताओ कैसे लिखोगे, tr plus 1 is equal to ncr 12cr a टू द पावर माइनस आर, तो यहाँ पे a तो a ही है तो 12 माइनस आर, और b पे पावर आर, तो b की जगह पे माइनस 2b है तो माइनस 2 पे b पे पावर आर। तो इसको आप कैसे लिखो, 12cr लिखो, a टू द पावर 12 माइनस आर लगने दो, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस 2 पे पावर भी आर होगा और b पर पावर भी आर होगा। अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट जो पावर है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ देखो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आर निकल जाएगा, इससे निकालो ए की कोएफिशिएंट, a के पावर से निकालो या b के पावर से, आपको r 7 मिलने वाला है। देख लो कैसे होगा, 12 माइनस r बराबर 5 एंड r बराबर दूसरा क्या है, देखो इससे अगर सेटिस्फाई करेंगे तो 7, यहाँ पे देखो 12 माइनस 5 बराबर r एंड r बराबर 7, तो फाइनली r का मान कितना मिला आपको, 7 मिला। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या बन गया बताओ, इसलिए जनरल टर्म देखोगे तो t 7 प्लस 1 मिल जाएगा, 12c7, ओके, a टू द पावर देखो 12 माइनस r, 12 माइनस 5 7 हो गया, इनटू माइनस 2 पे पावर 7 और b पर पावर r, तो b पे पावर, अच्छा 12 माइनस 7 तो 5 होगा ना, 7 कैसे बचेगा, हाँ a टू द पावर 5 इनटू b टू द पावर 7, देखो यहां पर आपको मिल रहा है क्या मिला, तो 12c7 इंटू माइनस 2 पे पावर 7 इंटू a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7, 12 माइनस 7 5 बचेगा, सॉरी 7 ही बचेगा। तो यहां पर देखो क्या हो गया, कोएफिशिएंट हमसे पूछा था, इसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो इसको सॉल्व करो या फिर यहीं पर ऐसे ही छोड़ दो। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन लिख दोगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b पे पावर 12 इज क्या दिया है, देखो 12c7 इंटू माइनस 2 पे पावर कितना 7, क्लियर हो रहा है ना, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना, देखो फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 7 कर लेना, इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 2 पे पावर 7 है, तो देखो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 32 2 64 64 2 कितना हो जाएगा 128 ही होगा ना, देखो 7 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 2 128, तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे 128, क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस 2 के पावर 7 है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ही आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, चलो यही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको इरेज करूं, बिल्कुल, तो आप अपने से इसको बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, देखो कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, एनसीईआरटी का आंसर मैच कर लेना, ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर दिया हो तो आप इसका आगे फर्दर सॉल्यूशन करोगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में बोल रहा है तो इसको भी इरेज कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर सिक्स है, इसमें हमें जनरल टर्म सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जनरल टर्म निकालना तो आसान है, नहीं इसलिए जनरल टर्म अगर से पूछा जाए तो जनरल टर्म पी आर प्लस वन होता है। देखो आर डिफाइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो पी आर प्लस वन ही ना ले दो एनसीआर, तो सिक्स सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, तो एक्स स्क्वायर में पावर सिक्स माइनस आर एन टू बी टू द पावर आर, तो माइनस वाई टू द पावर आर। अब इसी को आप आगे एक्सप्लेन करो, तो सिक्स सी आर को सिक्स सी आर रहने दो, x पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जो 2 है माइनस 2 आर इंटू ये माइनस 1 पे पावर भी आर होगा इंटू y पे पावर भी आर होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 6 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस 2 आर, ठीक। इसको पहले भी आप लिख दो, जैसे कि माइनस 1 पे पावर आर आप पहले भी लिख सकते हो, इंटू 6 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस आर इंटू y टू द पावर आर, यही जो होगा आंसर होगा, ठीक है। फोर में भी देखो जनरल टर्म ही फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू द पावर टू है, ठीक है। कंडीशन बोला है कि एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, एक्स का मान जीरो नहीं होगा यहाँ पर, एक्स जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर एक्सपेंशन क्या निकल पाएगी। यही कंडीशन वगैरह में दिया हुआ है कि एक्स का मान जीरो नहीं होगा, अगर एक्स आप जीरो कर दो तो ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू द पावर का वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, ओके। तो जनरल टर्म डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, जनरल टर्म का मतलब हो गया पी आर प्लस वन एन सी आर, तो टू एल सी आर, आर पता नहीं है, ए टू द पावर एन माइनस आर, तो एक्स स्क्वायर पे पावर टू एल माइनस आर इंटू बी पे पावर आर, इंटू बी टू द पावर आर, तो माइनस वाई एक्स टू द पावर आर। देखो ए है एक्स स्क्वायर, बी माइनस वाई एक्स, और एन जो है ट्वेल्व, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 12 सी आर एक्स पे पावर 12, टू जा कितना होगा 12 टू जा 24 माइनस 2 आर, ठीक है, इंटू माइनस 1 पे पावर आर कर दो, वाई पे पावर आर इंटू एक्स पे पावर आर। आप चाहो तो ये एक्स और ये एक्स को एक साथ कर सकते हो, तो 12 सी आर एक्स पे पावर 24 माइनस 2 आर, और ये आर को ऐड कर दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, समझ रहे हो ना, इंटू माइनस वन पे पावर आर इंटू वाई पे पावर आर। तो आप इसको लिख सकते हो 12 सी आर एक्स पे पावर 24 माइनस केवल आर हो जाएगा, देखो आर में से 2 आर कैंसिल, माइनस वन पे पावर आर रहने दो और वाई पे पावर आर, ये देखो आंसर हो जाएगा, बात समझ रहे हो। चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। जनरल टर्म की मदद से आप फोर्थ टर्म एंड टर्म कोई भी टर्म निकाल सकते हो, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। चलो इसको पहले नोट करो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइव में बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। जैसे देखो बच्चों x माइनस टू वाई टू द पावर है 12, x माइनस टू वाई टू द पावर 12, मैं आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो पहले तो जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या होगा 12 सी आर ए टू द पावर माइनस आर, तो x टू द पावर 12 माइनस आर, बी पे पावर आर, तो माइनस टू वाई पे पावर आर। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ टर्म पूछ रहा है टी फोर्थ, टी फोर्थ को कैसे लिखोगे, टी थ्री प्लस वन, तो आर की जगह पे आप क्या पुट कर दो 3, तो 12 सी थ्री एक्स टू द पावर 12 माइनस 3 इंटू माइनस 2y पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करो, तो देखो फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर कितना 9, 12 माइनस 3 9 हो गया, माइनस टू वाई पे पावर 3 इंटू वाई पे पावर 3। तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर 12 लेंगे, इसके बाद हम लोग 11 लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर फैक्टोरियल 9,
नीचे देखो फैक्टोरियल 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों x पे पावर 9 माइनस 2 पे पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 होगा क्योंकि पावर में ऑड नंबर दिया है इंटू y क्यूब। अब आप देखो इसको कैंसिल करो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल 3 2 जा 6 2 जा 12 तो यहां पे देखो 11 2 जा 22 22 पे 0 आ जाएगा इंटू माइनस 8 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू वाई क्यूब। फिर देखिए ये माइनस आएगा प्रोडक्ट में 8000 8 टू जा 16 8 टू जा 61 70 एक्स पे पावर 9 वाई क्यूब। इस तरीके से आंसर होगा। बात समझ रहे हो ना? तो जब भी फोर्थ फिफ्थ टर्म आंसर पूछे तो जनरल टर्म निकाल लो और वहां पर आप आर को सेट करो। जैसे अगर मान लो टी फाइव पूछता तो टी फाइव कैसे होता है टी फोर प्लस वन। समझ रहे हो ना? टी टेन पूछता तो टी नाइन प्लस वन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सेट कर सकते हो। क्लियर है ना? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन 9x माइनस 1/3 अंडर रूट एक्स टू द पावर 18। और यहां पर भी देखोगे तो x नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि यदि आप x यहां पे 0 लिखोगे तो ये फंक्शन तो नॉट डिफाइंड होगा और 9x माइनस नॉट डिफाइंड से कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है? और हमसे इसमें पूछा जा रहा है 13th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म? 13th टर्म। तो जनरल टर्म पहले लिख लो। जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर। तो 18 सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर। तो 9x पे पावर 18 माइनस आर बी टू द पावर आर। तो माइनस 1/3 अंडर रूट एक्स टू द पावर कितना आर। समझ में आ रहा है? इसलिए टी थर्टीन को क्या लिखोगे? टी 12 प्लस 1। इसका मतलब आर का मान कितना है? यहां पर 12 हो जाएगा। तो 18 सी 12 9x पे पावर 18 माइनस 12 इंटू माइनस 1/3 अंडर रूट एक्स पे पावर 12। ठीक है? तो ये देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा प्रोसेस। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं 9x पे पावर 18 माइनस 12 6 कर देते हैं और ये देखो माइनस 1 पे पावर 12 होगा तो ये तो प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर देखो 1/3 पे पावर 12 हो जाएगा और रूट एक्स पे पावर 12 होगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 18 सी 12 इंटू 9 पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर 6 ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। दोनों को सेपरेट कर दिए इंटू माइनस 1 पे पावर प्लस 12 है तो प्लस 1 हो जाएगा। और ये देखो 1/3 पे पावर 12 इंटू रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2 पे पावर 12। रूट का मतलब 1/2 होता है। तो ये कितना हो गया 18 सी 12 इंटू 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 3 का स्क्वायर तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। देखो यहाँ ये सब छोटे छोटे चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे एम पे पावर ए टू द पावर बी बराबर एम टू द पावर ए बी। ये सब चीज का नॉलेज छोटा होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा क्लास 8-9 में। समझ रहे हो ना? तो ये कितना हो गया फिर x पे पावर 6 इंटू 1 इंटू 1/3 पे पावर 12 इंटू x पे पावर 1/2 इंटू 12। अब देखो यहाँ पर 18 सी 12 इंटू 3 पे पावर देखोगे तो 12 हो जाएगा इंटू x पे पावर 6 इंटू 1/3 पे पावर 12। ठीक है? और इंटू क्या होगा x पे पावर 2 6 जा तो x पे पावर 6। तो देखो 3 पे पावर ये 12 और ये 3 पे पावर 12 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना 18 सी 12 x पे पावर 6। ठीक अच्छा x पे पावर 6 भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर जा ये क्या है नीचे ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया 18 सी 12। आप चाहो तो इसको यहां पे निकाल सकते हो इसका वैल्यू 18 सी 12 का। कैसे निकालोगे बच्चों? तो फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 18 माइनस 12 इंटू फैक्टोरियल 12। थोड़ा मेहनत करना होगा मल्टीप्लाई आएगा। तो देखो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 और देखो यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 18 माइनस 12। ठीक?
और ये देखो फैक्टोरियल 2n को फिर पूरा तोड़ेंगे, क्योंकि 18 माइनस 2n कितना होगा फैक्टोरियल 12। अब इस 2n को पूरी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। बेटर हो यहीं पर आंसर छोड़ दे या ब्रेक करना है, करोगे ब्रेक तो करो। देखो 18 माइनस 12, अच्छा मैं गलत लिखा रहा हूँ क्या यहाँ पर, 18 में से 12 गया 6 बचेगा ना, और फैक्टोरियल 12 को क्यों पूरा ब्रेक करेगा, तो आसान हो गया। 12 से 12 देखो कैंसिल हो गया, 18 में 12 गया 6 बचेगा ना कॉमन इधर, तो 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13 और बचेगा देखो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो कौन कौन कटने वाला है, 6 × 3 = 18 देखो पूरा तो ठीक है, फिर 5 × 3 = 15 5 × 3 = 15 4 × 4 = 16 2 × 7 = 14 ओके। तो देखो मल्टीप्लाई करो 7 × 17 × 4 = 12 हो जाएगा × 7 × 13 ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, कर लोगे मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लो, क्लियर है। तो चलो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखें, ठीक है। तो आज हम लोग 1 to 6 स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 12 स्टडी करेंगे ओके। तो चलो बच्चों 1 to 6 पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं ओके। थैंक यू।